हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 11th अगस्त 2020, देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको यह बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट द थेंजोल गोफ रिजॉर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में थेंजोल गोफ रिजॉर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। थेंजोल गोफ रिजॉर्ट, इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली मिजोरम स्टेट में की गई एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इन चार्ज श्री प्रहलाद सिंह पटेल। और इन्होंने ये इनाग्रेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड अंडर इंदिरा रसोई एट ₹8 पर प्लेट। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई के तहत ₹8 प्रति प्लेट में स्वस्थ और पोषित भोजन देने की घोषणा की है। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, ये अनाउंस किया है दैट स्टेट के अंदर जितने भी पुअर एंड नीडी पीपल हैं उनको दे विल प्रोवाइड देम हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड अंडर इंदिरा रसोई एट ₹8 पर प्लेट। सो ये अनाउंसमेंट राजस्थान गवर्नमेंट ने की है। तो राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये है मैप में राजस्थान रेड कलर में, इसको डिजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फॉर्मेशन हुई थी इसकी एज ए स्टेट 1949 में। कैपिटल यहाँ की जयपुर, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र, चीफ मिनिस्टर यहाँ के अशोक गहलोत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। एरिया में ये सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया के अंदर एंड पॉपुलेशन में इसका रैंक 7th है। राजस्थान इट इज़ होम टू 3 नेशनल टाइगर रिजर्व्स, एक रणथंभौर नेशनल पार्क दैट इज़ इन सवाई माधोपुर, दूसरी है सरिस्का नेशनल टाइगर रिजर्व इन अलवर एंड मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व ये है कोटा में। देन चंबल एंड लूनी आर द 2 मैन रिवर्स इन राजस्थान। उसके अलावा घूमर डांस एंड कलीबेला डांस ये यहाँ के फेमस डांस हैं राजस्थान के दैट हैव गेंड एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। उसके अलावा यहाँ फोक म्यूजिक भी है दैट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ राजस्थानी कल्चर, जिसमें कठपुतली, भोपा, चांग, तेराताली, झिंझार, देन कुचुगीहोरी, देन तिजाजी, पर्थ डांस एट्सेट्रा, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल डांस कल्चर। तो ये थे राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन रामायण पार्क बीइंग डेवलप्ड। विश्व का पहला ग्रीन रामायण पार्क कहाँ विकसित किया गया है। रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट के अंदर वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन रामायण पार्क डेवलप की गई है और इस पार्क में वाल्मीकि की जो रामायण है दैट इज़ एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा, उस रामायण के अंदर 139 स्पीशीज प्लांट्स के मेंशन है। तो ये तमाम प्लांट्स इस ग्रीन रामायण पार्क के अंदर ग्रो किए गए हैं। सो इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन रामायण पार्क दैट इज़ डेवलप्ड इन द उत्तराखंड। इससे जो लोकल टूरिज्म है उसमें उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ लॉन्च डीडी आसाम 24/7 चैनल रिसेंटली। हाल ही में डीडी आसाम 24/7 चैनल किसने लॉन्च किया है। सो रिसेंटली डीडी आसाम जो पूरे 7 दिन और 24 घंटे चलता रहेगा, तो इस चैनल को रिसेंटली प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। सो आसाम स्टेट गॉट इट्स ऑन दूरदर्शन चैनल रिसेंटली और इसकी इनॉग्रेशन किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्होंने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। सो डीडी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये एक ऑटोनॉमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है दैट इज़ फाउंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज़ ऑन्ड बाई ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, ऑनर इसके प्रसार भारती एंड शशि शेखर वेम्पति ये हैं इसके करंट CEO और ये है इसका लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच IT कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सर्विस mHealthy। किस IT कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा mHealthy रिसेंटली लॉन्च की। तो रिसेंटली IT कंपनी टेक महिंद्रा ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सर्विस लॉन्च की है और ये इन्हें लॉन्च की है जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं इनके मेंबर्स हैं उनके लिए ये लॉन्च की गई है ताकि वो अपना एंटीवायरस लेवल हमेशा चेक कर सकें सो दैट दे कैन चेक देयर एंटीबॉडी लेवल्स एंड सेफ गार्ड देम अगेंस्ट द रिस्क ऑफ COVID-19।
सो टेक महिंद्रा ने ये स्क्रीनिंग सर्विस लॉन्च किया है एम हेल्दी। तो टेक महिंद्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये एक आईटी सर्विस एंड आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री है दैट वाज फाउंडेड इन 1986। आनंद महिंद्रा इसके फाउंडर हैं, हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र। आनंद महिंद्रा इसके करंट चेयरमैन हैं एंड सीपी गुरानी ये हैं इसके एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट, रिसेंटली एज ए कैप्टन इयान मॉर्गन बिकेम द हाईएस्ट सिक्स प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। हाल ही में इयान मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वह इंग्लैंड के हैं। तो इयान मॉर्गन ये ऐसे कैप्टन बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिक्स लगाए हैं। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एज ए कैप्टन 211 सिक्स लगाए हैं। तो अब इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन ने इन्होंने 212 सिक्स लगाए हैं एज ए कैप्टन। और ओवरऑल अगर सिक्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो सिक्स लगाने वाले वो हैं क्रिस गेल। नंबर टू पर हैं पाकिस्तानी फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी एंड नंबर फाइव पर हैं इसमें महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज भारतीय एयर फाइबर सर्विस इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारतीय एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रिसेंटली महाराष्ट्र में भारतीय एयर फाइबर सर्विस इसकी इनॉग्रेशन की गई और इट वाज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संजय धोत्रे। इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की एंड इट द सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड ने ये सर्विस लॉन्च की है। ये एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटर्स डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। और इसके थ्रू इस सर्विस के थ्रू जो BSNL ये अपने कस्टमर्स को 20 किलोमीटर तक एक वायरलेस कनेक्टिविटी दे कैन प्रोवाइड अ वायरलेस कनेक्टिविटी टू इट्स कस्टमर्स एट द रेंज ऑफ 20 किलोमीटर्स। सो ये लॉन्च की है रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ बुक टाइटल्ड रा अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस। रा अ हिस्ट्री ऑफ कवर्ट ऑपरेशंस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? सो रिसेंटली रा अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस ये बुक है और ये लिखी है यतीश यादव ने। तो इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अमेरिकाज फर्स्ट ब्लैक एयरफोर्स चीफ। अमरीका के पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली चार्लेज क्योब्रॉन ये अमेरिका के पहले फर्स्ट ब्लैक कलर के एयरफोर्स चीफ बने हैं। तो ये हैं चार्लेज क्योब्रॉन जो हैज़ बीन अपॉइंटेड अमेरिकाज फर्स्ट ब्लैक एयरफोर्स चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू विदहोल्ड द पेंशन ऑफ दोज जेल्ड इन 1975 to 1977 एमरजेंसी। किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 तक के आपातकालीन में जेल गए लोगों की पेंशन वापस लेने की घोषणा की है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि उन लोगों को जो 1975 1977 में जिन लोगों ने एमरजेंसी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी तो बाद में उनको जेलों में डाल दिया गया था, उसके बाद जो महाराष्ट्र की प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने उन लोगों को पेंशन देने की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन अभी हाल ही में जो रिसेंट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की उन्होंने ये डिसाइड किया है दे विल स्टॉप देयर पेंशन। और इसके लिए इन्होंने ये रीज़न बताया कि इसका जो स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन है दैट इज़ वेरी वीक ड्यू टू कोविड पेंडेमिक सो दे हैव डिसाइडेड टू स्टॉप दिस स्कीम। इसलिए इन्होंने इन लोगों को पेंशन देना अब स्टॉप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द बंगस आवास आवाम मेला बीन ऑर्गेनाइज्ड। बंगस आवाम मेला ये कहाँ आयोजित किया गया? तो रिसेंटली बंगस आवाम मेला ये जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया। तो अभी रिसेंटली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इसको एक साल हो गए हैं। तो इस वक्त हांडवाड़ा टाउन है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसकी खुशी में वहाँ एक टू डे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था बंगस आवाम मेला। तो ये रिसेंटली तो ये हंडवाड़ा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया एंड हंडवाड़ा इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन द वर्ल्ड। कौन सी कंपनी दुनिया में सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? सो रिसेंटली एप्पल कंपनी इट हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली
ट्रेडेड कंपनी इन द वर्ल्ड एंड इन्होंने सरपास किया है ऑयल जेंट सऊदी अरेबिया अरामको को टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी विद मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 1.84 trillion dollars. सो एप्पल इस वक्त मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनी है. तो एप्पल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. एप्पल एक मोबाइल कंपनी है दैट वॉज फाउंड इन 1976. फाउंडर इसके स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वाजनायक रोनाल्ड वाइने और की पीपल इससे रिलेटेड हैं आर्थर डी लेविनसन जो इसके करंट चेयरमैन है. टिम कुक हैं इसके करंट सीईओ एंड हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स. नेक्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डेवलप विच आर द फॉलोइंग सिटीज़ एज स्मार्ट सिटीज़ इन न्यूली फॉर्म्ड यूटी ऑफ लद्दाख. केंद्र सरकार लद्दाख में के नवगठित यूटी में निम्नलिखित में से किस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी. सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड किया है कि लद्दाख के दो सिटीज़ लेह और करगिल को वो स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे. सो लद्दाख की ये दो सिटीज़ हैं. तो लद्दाख से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. ये है मैप J&K का और ये है लद्दाख. इसका ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट ये है अक्साई चिन जो इस वक्त अक्साई चिन जो इसके चाइना के कब्ज़े में है. देन ये वाला एरिया ये है जम्मू एंड कश्मीर और ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट में है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको वहाँ आज़ाद कश्मीर कहते हैं. सो लद्दाख इट इज़ अ रीजन एडमिनिस्टर्ड बाई इंडिया एज अ यूनियन टेरेटरी और ये 2019 में बनी थी यूनियन टेरेटरी. लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर देन सोमरोरी एंड पंग सो लैक्स दे आर द फेमस लैक्स ऑफ लद्दाख. देन यहाँ मैग्नेटिक हिल्स भी हैं. हेमिस नेशनल पार्क ये भी लद्दाख के अंदर ही है. देन जुब्रो इट इज़ द फेमस डांस ऑफ लद्दाख. देन वोल जिसको चंगठगी और लद्दाख पाशमीना भी कहा जाता है इट इज़ अ ब्रीड ऑफ कश्मीरी गोट. देन त्रास जो लद्दाख में है इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड सेकंड कोल्डेस्ट इनहिबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड. एज इट्स कल्चर एंड हिस्ट्री आर क्लोजली रिलेटेड टू तिब्बत सो इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस. सो निम्नलिखित में से किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस के अध्यक्ष नियुक्त किया गया. सो रिसेंटली एस एन राजेश्वरी इनको ओरिएंटल इंश्योरेंस का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है. सो ओरिएंटल इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं. ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है दैट वाज फाउंडेड इन 1947. हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में एंड एस एन राजेश्वरी ये है इसके करंट चेयरमैन एंड MD. सो बाकी नाम भी देखते हैं. संदीप बख्शी ये हैं ICICI बैंक के MD एंड CEO एंड MR कुमार ही इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये हैं इसके चेयरमैन MR कुमार. नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विद MSC इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ डिकंटेमिनेशन बॉक्स नेम्ड सुरक्षा. MSC इंडिया के साथ निम्नलिखित में से किस संस्था ने सुरक्षा नाम का एक परिशोधन बॉक्स विकसित किया है. सो रिसेंटली CSIO ने MSC इंडिया से मिलकर डिकंटेमिनेशन बॉक्स रिसेंटली डेवलप किया है जिसका नाम है सुरक्षा. तो ये जो डिकंटेमिनेशन बॉक्स है इसमें बोथ अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं और हीट्स इसके अंदर यूज़ की गई है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इट कैन सैनिटाइज एनी ऑब्जेक्ट इन 10 to 15 minutes. सो CSIO ने इसे डेवलप किया है. तो CSIO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. फुल फॉर्म सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये चंडीगढ़ में है. इट इज़ इंडिया बेस्ड नेशनल लेबॉरटरी डेडिकेटेड टू रिसर्च डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट. इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1955 में न्यू दिल्ली में. बाद में इसको रिलोकेट किया गया था टू चंडीगढ़ इन 1962. डायरेक्टर हैं इसके प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा. सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स. कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखते हैं. विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट 20 रिलीज बाई नीति आयोग. नीति आयोग द्वारा जारी की गई आकांक्षी जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. सो ये किया था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़. देन मैंने आपसे पूछा था नेपोलियन ऑफ इंडिया बाई वी स्मिथ यानी वी स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा था. तो समुद्र गुप्ता को कहा था. देन शुगर बाउल ऑफ इंडिया इट इज़ UP. नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे विच आर द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1 अमंग द 10 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया.
पूर्वोत्तर भारत के 10 स्मार्ट शहरों में निम्नलिखित में से किस शहर को नंबर वन स्थान दिया गया है? तो इसका आपको बोलना है शिलांग, गंगटोक, एजवाल और नीचे अगरतला भी है, अगरतला, ये आपको एक आंसर करना है। देन फेमस बुक किताबुल हिंद, ये आपको बताना है ये किसने लिखी है। देन लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। सो इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाई व्यूअर्स रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। सो थैंक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।